नमस्ते दोस्तों, मैं हूं टिकी और स्वागत है आपको अपने चैनल टिकी टिप्स एंड ट्रिक्स पर। आज हम बात करेंगे सावित्री व्रत के बारे में। सावित्री व्रत में जो रीति नीति है उसी के ऊपर छोटी सी चर्चा होगी इस वीडियो में। बने रहिए वीडियो में, इंटरेस्टिंग लगेगा जरूर आपको। इस पूजा को अलग अलग प्रांत में अलग अलग तरीके से पूजा किया जाता है, लेकिन सबका कारण एक ही होता है, पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है ये व्रत। जिस तरह से सावित्री माता ने यमराज से अपने मृत पति का प्राण वापस ले आए थे, उन्हीं का सम्मान करते हुए, उन्हीं को प्रणिपात करते हुए हम सधवा नारी अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखते हैं। इस पूजा के नियम अनुसार जंगल में मिले हुए वो सारे फल आदि को शामिल किया जाता है। जितना भी आप जंगल के फल आदि शामिल करते हो उतना ही मान्यता बढ़ जाता है इस पूजा का। और उसके साथ ही आपका कुछ नया वस्त्र और सुहाग के सारे निशानी पूजा किया जाता है। ब्राह्मण से कथा सुना जाता है और सारे सुहागन इकट्ठे होके इस पूजा को समापन करते हैं, इकट्ठे करते हैं। ब्राह्मण के द्वारा पूजा समापन किया जाता है और उसके साथ ही कुछ दान दक्षिणा भी दिया जाता है। यहाँ पे पूजा खत्म होने के बाद और भी कुछ रस्म रिवाज बाकी रह जाता है जिसको हमें घर आके पूरा करना रहता है। यहाँ पे जैसे हमने पूजा किया वही सेम कुछ पूजा हमें पतिदेव को बिठा के दिया, अगरबत्ती, तिलक, ये सब करना रहता है और उनका जो है पैर भी धोना रहता है हल्दी पानी से। और उसके बाद आप जो कुछ भी पूजा करके लाए हो, नए वस्त्र और आपके सुहाग के सारे निशानी, वो सब पहनना रहता है। नए वस्त्र को आप साड़ी, जो कुछ भी आप पूजा करके लाए हो उसको पहन के ये सब पतिदेव का पूजा करना बहुत अच्छी बात है। अगर ना पहनो तो भी आप उसको सर पे पल्लू की तरह डाल के ही पूजा करना बिल्कुल सही है। और उसके बाद वो सब सुहाग के निशानी को पति देव अगर पहनाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, जैसे कि सिंदूर हो गया, चूड़ी और आपका जो व्रत है। और माथा टेकने के बाद पति जी के हाथ से कुछ प्रसाद या पानी लिया जाता है, वो हमें पिलाते हैं या फिर कुछ प्रसाद मुँह में देते हैं। तो इसी तरह ये व्रत समापन होता है। बस आज के लिए इतनी छोटी सी जानकारी काफ़ी है। मैं बहुत थक गई हूँ फ्रेंड्स, इसीलिए आपको मेरे आवाज़ से पता चल रहा होगा शायद। अगर पसंद आया वीडियो तो मुझसे जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। ओके, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए और आपका दिन बहुत मंगलमय हो, खुशियाँ भरा हो। थैंक यू।